चीफ गेस्ट में से आए हुए मेहमानों में से मैं विनोद भाई को हतमन गुजारिश करता हूं कि आपके दो शब्द सभी कबूतर शौकीन के लिए थोड़ा सा हौसला अफजाई। उपस्थित आज जो गुलबर्गा से हमारे भाई आए हैं, शौकीन भाई, सिद्धू सर, याकूब सर, अजहर सर, सालिम सर, मिर्जा सर और स्वामी सर जो उदगीर से आए हैं, और लातूर के मेरे तमाम शौकीन भाई, कबूतर परवरी एक ऐसी फील्ड है कि यहाँ पे कोई छोटा कोई बड़ा, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता, हम सब एक ही छतरी के नीचे होते हैं। और ये मंजर मेरे लिए बहुत अहम है और बहुत मुझे अच्छा लगता है कि ये सबसे अच्छी बात है कबूतर परवरी के बाद, भाईचारा बढ़ता है यहाँ पे, कोई भी क्या है ना बॉर्डर से एक दूसरे में नहीं, सभी एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। ये बहुत अलग चीज़ है जो कबूतर परवार ही समझते हैं और जानते हैं। तो जितना ज़्यादा ये शौक बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि इंडिया में उतना ही भाईचारा बढ़ेगा, उतना ही अमन बढ़ेगा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सभी भाइयों पे कि किस तरह से इस शौक को आगे ले जाते हैं। ये जो टूर्नामेंट इस साल ऑर्गेनाइज हुआ है, एक मिसाल कायम हुआ है ऐसा मुझे लगता है। लातूर और ख़ास करके गुलबर्गा, उदगीर, ये जो एक क्लस्टर है, क्लस्टर मीन्स ये चार पांच जो सिटीज आजू बाजू में है, इन्होंने एक मिसाल पूरी इंडिया या फिर इससे आगे जाके भी मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया के लिए एक मिसाल जो है रखी है। क्योंकि आज अनऑफिशियली बात करता हूँ कि सब लोग फूट रहे हैं, हर पक्ष फूट रहा है, बराबर है कि नहीं, लेकिन यही एक ऐसा अपने भी फील्ड में लोग फूट रहे थे, मीन्स हाई फ्लायर को छोड़ के लो फ्लायर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन आप लोगों ने जो मेहनत की है और जो रिजल्ट दिया है उससे इंस्पायर होकर अभी और जो ज़्यादा शौकीन है वो हाई फ्लायर फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, इस शौक की तरफ बढ़ रहे हैं। वरना बहुत से लोग जो हमें छोड़कर जा रहे थे वो भी वापस अभी आना शुरू हुआ है, क्योंकि अच्छा रिजल्ट हाई फ्लायर में भी अभी मिल रहा है। बहुत से लोग हैं जो कि जो लोकल ब्रीड्स हैं अपने, उन्हें भी आगे लेके जा रहे हैं और अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। 4-5-6 बजे तक कबूतर बैठना अभी ये एक नॉर्मल बात हो चुकी है। प्रॉब्लम ये है सिद्धू भाई, याकूब भाई, मुझे लगता है कि हम उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। अपना कबूतर भी 5-6 बजे तक उड़ता है, लेकिन अपन उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, अपन कैजुअली लेते हैं। अदर कंट्रीज में क्या होता है, अगर उनका कबूतर 5-6 बजे बैठ जाता है तो उसको इतना ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, वहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और इनडायरेक्टली उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से वो जो शौक है वो पूरा आगे बढ़ता है, या फिर ज़्यादा लोग उससे इंस्पायर होते हैं और वाह वाह होते हैं। कबूतर अच्छी नस्ल है अपने पास इंडिया में, खास करके लातूर में तो मैंने बहुत सारी पुरानी नस्ल देखी है और उनका रिजल्ट भी देखा है, और आप लोग अभी तक उन्हें संभाल के रखा है, ये आपका जो एटीट्यूड है बिल्कुल तारीफ के काबिल है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छा भाईचारा मैंने लातूर में देखा है, उदगीर में देखा है। ठीक है, कंपटीशन में एक दूसरे के खिलाफ़ भी नहीं बोल सकते हम, कबूतर तो किसी के खिलाफ नहीं होता है, वो तो पता भी नहीं होता है कि अपन किससे कॉम्पीट कर रहे हैं, वो तो बस खुद से कॉम्पीट कर रहा होता है। तो ये अच्छा माहौल यहाँ पर मैंने देखा है, ये जो उदगीर, गुलबर्गा, लातूर, बिदर का जो माहौल है, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पर लोग करते हैं, एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको समझते हैं, उस पर कुछ हल होगा तो वो भी बताते हैं, एक दूसरे को कबूतर देने से भी पीछे नहीं हटते, ये बहुत अच्छी बात मैंने देखी है। वरना बहुत से जगह पे ऐसा होता है कि कोई किससे बात कितनी भी अच्छी कर ले लेकिन कबूतर का पर भी नहीं देता है। तो ये बात मुझे यहाँ पे अच्छी लगी, जो मेरे पास की अच्छी चीज़ है तू लेकर जा भाई, तेरा शौक पूरा कर। तो एक अच्छा एटीट्यूड है, यही एटीट्यूड ऐसा है कि जो शौक को आगे लेके जाएगा। तो देखिए दोस्तों,
बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त और ये जो ट्रॉफियाँ हैं इनको भी मैं ज़्यादा और इंतज़ार करने नहीं लगा सकता। और भी जो उस्ताद लोग हैं उनसे भी आपने सुनना चाहिए, जिन्होंने अच्छा उड़ाया है, जिनको बहुत सारा नॉलेज है, काफ़ी सालों से इस फील्ड में है। तो बस ऑर्गेनाइज़र ने इतना अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है कि तारीफ के काबिल है। लास्ट टाइम से भी ज़्यादा बेहतर हॉल है, अच्छा एरिएशन है, और बस इसी शौक को इस तरह से आगे ले जाइए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस प्रोग्राम में बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ उनका भी, और यहाँ पर मुझे बुलाया, मुझे नवाजा, इसके लिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू। थैंक यू विनोद सर, आपने इतना अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और आपके वाइस डिस्ट्रीब्यूशन ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया टाइम का और गेस्ट का, इसलिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता चाहता हूँ। और जो भी आपने बातें की है, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, और उसी से मैं एक आपको बोलना चाहता हूँ, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हार के कोई मैदान नहीं जीते जाते, मगर मैदान जीतने से मन जरूर जीते जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। तो आपकी जो ये सीख है हम इस पर जरूर अमल करेंगे। और अगला जो है मैं आप मुबशिर भाई को स्टेज पे आने की गुजारिश करती हूँ, और आपने वो दो गिनती शब्द अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर मौजूद तमाम कबूतर परवर भाइयों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि लालपुर जैसे शहर में जहाँ पर जो कबूतर परवरी को जो मुकाम मिल रहा है, यहाँ पर नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं और कबूतरबाजी यहाँ पर बहुत बढ़ रही है, उरूज पे जा रही है, और एक से एक नस्लें हमें लातूर में आते हुए दिख रही हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस कमेटी को कि उन्होंने जिस तरीके से ये प्रोग्राम अरेंज किया, और बाहर से जो आने वाले तमाम बुजुर्ग बड़े शौकीन और अच्छे अहदेदार जो इस शौक से रिलेटेड है, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम सब को यहाँ पर आने का जो मौका मिला तो वो भी आए, उनसे भी मुलाकात मिली, बहुत अच्छा लगा। जो कुछ पुराने भी शौकीन हैं जो यहाँ पर मुलाकात जिनसे हुई, तो ये बहुत अच्छा मौका था। और यहाँ की जो कमेटी ने इंतज़ाम करी तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन और आला है, और हमेशा ही होता है यहाँ पर लातूर में जो भी फंक्शन होता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से और मिलजुल कर होता है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आगे भी आप लोग इसी तरीके से मिलके और अच्छा शौक करेंगे, और शौक को तो आप बढ़ा रहे हैं, उसमें और तरक्की होंगी। और इतना कहते हुए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कमेटी का कि हम सबको यहाँ पर आने की सादत मिली और आपने बुलाया और हमारी इज्जत अफजाई की जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, मुबशिर भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती वक्त लातूर पीजीएल लीग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आके जो दिया, और लातूर वालों को अपने लफ्ज़ों में गाइडनेस करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और
सिद्धू भाई से मैं आज मन गुजारिश करता हूँ कि अपने दो शब्द माइक लेकर गाइडनेस करें। सभी भाई लोगों को नमस्कार। और मैं पहली बार जो स्टेज पे सभी गेस्ट जो है नमस्कार करता हूँ और सभी कमेटी को शुक्रिया हमको यहाँ पर गेस्ट बुलाए। और रातों में जो उड़ान हुई इस साल ये काबिले तारीफ है, बहुत अच्छी उड़ान हुई। खासकर जो नए नए शौकीन बन रहे लातों में उनको भी बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी तरह उड़ा रहे वो लोग। और ऐसे ही शौक बढ़ते रहे। और ऐसा है शौक, एक जो लॉफ्ट वाला उड़ाता है तो उसके उस्ताद का हाथ बहुत बड़ा लगता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी बहुत साल से उड़ाता रहा मगर अपनी उड़ान में जो सुधार आई वैसे तो अपने उस्ताद युवराज भाई से आई। और बहुत अच्छा उन्होंने हमको सब कुछ सिखाया और अपने को उड़ाने के लिए बहुत सारे सपोर्ट किए, ठीक है। और बिना उस्ताद का ये शौक नहीं हो सकता, ये भी मानना पड़ेगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर जो मेरे को लातूर रीजन लीग कमेटी ने बुलाया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी लातूर रीजन लीग में जो भी विनर्स है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन और शुक्रिया जो मेरे को चार बात करने के लिए यहाँ पर बोले हैं, शुक्रिया। थैंक यू सिद्धू भाई, पैदल से आपका शुक्रिया। जो आपने बातें कही वो बहुत ही काबिले तारीफ है। गुरु के बिना शिष्य नहीं है और शिष्य के बिना गुरु नहीं है। और गुरु का इम्पोर्टेंस ये शौक में बहुत ही है, क्योंकि ये शौक ऐसा है कि इसमें अभी जो है यूट्यूब पे अलग अलग जो कोचिंग दी जा रही है वो बहुत सी गलत सी कोचिंग है। इसलिए आपको जो भी नस्ल की जानकारी चाहिए, उड़ान के बारे में जानकारी चाहिए, फिर उसके बाद उसकी फीड की जानकारी चाहिए और जो भी आपको चाहिए वो आपसे गुरु से मिलता है। और आपने अपना कम कीमती समय दिया इसलिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।